और एक बात हम न भूले, मैं कभी कभी सुनता हूं कुछ लोगों को सपने आते हैं, आप सबको मालूम है सपने किसको आते हैं भाई, जो सोता रहता है ना उसको सपने आते हैं, जो जागता है वो संकल्प लेता है। योगी जी जागने वाले, जागते रखने वाले और इसलिए संकल्प करने वाले नेता है, यही फर्क है जो आज यूपी के लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं, देख रहे हैं। आज पश्चिमी यूपी देश के सबसे अधिक कनेक्टेड क्षेत्रों में से एक बन रहा है। कुछ दिन पहले ही गंगा एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो चुका है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पश्चिमी यूपी को अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी देने वाला है। हमारा दादरी तो भारतीय रेल की आधुनिकता का सबसे बड़ा सेंटर होने जा रहा है। आज देश के दो डिफेंस कॉरिडोर में से एक यूपी में बन रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट अपने साथ उद्योग की, नए रोजगार की अनेकों नई संभावनाएं लेकर आ रहे हैं। बीते 5 साल में हमने यूपी के ऐसे ही समृद्ध भविष्य की नींव रखी है। इस बार आपका एक एक वोट इसी नींव को सशक्त करने के लिए होगा। साथियों, यूपी के गांव हो या शहर, पश्चिमी यूपी हो या पूर्वी यूपी, सभी के लिए, हर क्षेत्र के लिए आगे बढ़ने का समय है। यूपी के लोग तो पहले की सरकार में रहने वालों की बदनीयत को अच्छी तरह जानते हैं। इन लोगों ने भ्रष्टाचार और रियल एस्टेट माफिया का ऐसा गठबंधन कराया कि एनसीआर के हजारों फ्लैट खरीदारों के जीवन भर की पूंजी लूट गई। इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे मध्यम वर्ग के भाइयों बहनों को हुआ, हमारे युवाओं को उठाना पड़ा। डबल इंजन की सरकार ने इस माफिया को खत्म करने के लिए रेरा कानून लागू किया है। इससे आज अपना घर मिलने में लोगों को आसानी हुई है।